मिलने ही चाहिए। अगर इगला कलर से गई है, मान लो बिना पासपोर्ट वीजा के उससे गई है, किसी टूर से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए, प्रधानमंत्री से जल्द से लाना चाहिए और वैसे सरकार से बात करने के लिए, पाकिस्तान सरकार से बात करें। उन्हें कल 1 बजे के आसपास बात हुई थी मेरी, थी यहाँ फैमिली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है मेरी, और मैंने बोला शादी करी करिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन में, मैं कल बात करूंगा। सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ, ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ, मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। कोई लड़की है जो भिवारी में रहती थी और वो पाकिस्तान चली गई है, तो इसमें हमने जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया उससे ये पता लगा जो ये जो लड़की है ये टेकनपुर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, और इसका शादी अरविंद नामक व्यक्ति से हुआ है, 2007 में से ये भिवारी में रह रही है, और जो पाकिस्तान बेस्ड लड़का है उससे ये 3-4 साल से कॉन्टेक्ट में थी फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप कॉलिंग के थ्रू, और ये थर्सडे को अपने घर वाले को बता के गई है जो अमृतसर घूमने के लिए जा रही है, और ये 21 तारीख को क्रॉस ओवर कर गई पाकिस्तान में।